वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। तो आज मैं आप सबको गोरखपुर महानगर में जो है कि काफ़ी तेज़ी के साथ बड़े बड़े हाईटेक कॉम्प्लेक्स और शॉपिंग मॉल्स का निर्माण कार्य जो है काफ़ी तेज़ी के साथ चल रहा है। तो आज मैं आपको इसी टॉपिक पर पूरा पूरा अपडेट देने वाला हूँ कि अपने गोरखपुर महानगर के कौन कौन से एरियाज़ में कौन कौन से बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेज या मॉल का निर्माण कार्य चल रहा है। तो वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि आपको आगे भी गोरखपुर के डेवलपमेंट पर वीडियो देखने को मिलती रहे। तो हम शुरुआत करते हैं गोरखपुर में बन रहे सबसे बड़े कॉमर्शियल प्रोजेक्ट्स की। तो उसका नाम है पाम एम्पोरियो मॉल गोरखपुर। तो हम आपको बता दें कि इस शॉपिंग मॉल का कंस्ट्रक्शन वर्क जो है काफ़ी तेज़ी के साथ चल रहा है और इस मॉल की लागत की बात की जाए तो लगभग 400 करोड़ रुपए के आसपास इस मॉल की लागत जो है कि आ रही है। और ये मॉल जो है अगले साल यानी 2025 के आखिरी तक बनकर रेडी होने वाला है। अब हम बात करते हैं गोरखपुर में चल रहे एक और बड़े कॉमर्शियल प्रोजेक्ट्स की। तो उसका नाम है गोलघर सेंट्रल शॉपिंग मॉल। यह शॉपिंग मॉल जो है पूरी तरह बनकर रेडी हो चुका है और प्रेजेंट टाइम में इस शॉपिंग मॉल के फिनिशिंग का काम जो है कि चल रहा है। और मैं आपको एक अपडेट दे दूँ इस शॉपिंग मॉल से रिलेटेड, तो वो ये है कि इस शॉपिंग मॉल में 12 से भी ज़्यादा एक्सेलेटर होने वाले हैं और एक्सेलेटर के अलावा 6 से भी ज़्यादा लिफ्ट की भी संख्या होने वाली है। मैं बहुत जल्द आपको साइट विजिट के साथ इसका मैं आपको कंस्ट्रक्शन अपडेट मैं आपको देने वाला हूँ। और ये शॉपिंग मॉल जो है टोटल 7 फ्लोर का होने वाला है और इसमें जो है बड़े बड़े ब्रांड्स के ब्रांडेड शोरूम से लेकर फूड कोर्ट भी होने वाला है। अब हम बात करते हैं गोरखपुर में चल रहे एक और बड़े कॉमर्शियल प्रोजेक्ट की। तो उसका नाम है SSH शॉपिंग मॉल। तो ये जो आप इमेज में देख पा रहे हो बनने के बाद कुछ ऐसा दिखाई देने वाला है। और प्रेजेंट टाइम इसके कंस्ट्रक्शन स्टेटस की बात की जाए तो ये भी बिल्डिंग पूरी तरह बनकर रेडी हो चुकी है। इसका भी फिनिशिंग का ही काम कराया जा रहा है। और इसके लोकेशन की बात की जाए तो यह गोरखपुर महानगर के राजेंद्र नगर एरिया में इसका कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। अब हम बात करते हैं गोरखपुर महानगर में चल रहे एक और बड़े कॉमर्शियल प्रोजेक्ट की। तो उसका नाम है RK मॉल एंड मल्टीप्लेक्स। तो ये जो इमेज में देख पा रहे हो बनने के बाद ही कुछ ऐसा दिखाई देने वाला है। प्रेजेंट टाइम में इस शॉपिंग मॉल के कंस्ट्रक्शन स्टेटस की बात की जाए तो फिलहाल इस शॉपिंग मॉल का 50 से 60% काम जो है कि पूरा किया गया है। और इस मॉल की ओपनिंग की बात की जाए तो यह मॉल भी अगले साल ही बनकर रेडी होने वाला है। अब हम बताते हैं गोरखपुर में चल रहे एक और बड़े कॉमर्शियल प्रोजेक्ट की। तो उसका नाम है एलाइट स्क्वायर मॉल, जो कि विकास केजरीवाल ग्रुप ऑफ कंपनीज की तरफ से इस मॉल का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। और इस शॉपिंग मॉल का भी कंस्ट्रक्शन वर्क जो है स्टार्ट कर दिया गया है। और इसके लोकेशन की बात की जाए तो यह शॉपिंग मॉल भी शहर के राजेंद्र नगर के आगे साकेत नगर एरिया में ही चल रहा है। अब हम बात करते हैं शहर में चल रहे एक और बड़े कॉमर्शियल प्रोजेक्ट की। तो उसका नाम है KP टावर गोरखपुर। तो ये जो आप इमेज में देख पा रहे हो बनने के बाद ये कुछ ऐसा दिखाई देने वाला है। और प्रेजेंट टाइम में इसके कंस्ट्रक्शन स्टेटस की बात की जाए तो ये भी बिल्डिंग पूरी तरह बनकर रेडी हो चुकी है और इसकी भी फिनिशिंग की ही काम चल रही है। और इसके लोकेशन का बात किया जाए तो इसका भी कंस्ट्रक्शन वर्क जो है शहर के बेतिया हाता एरिया में ही चल रहा है। अब हम बात करते हैं गोरखपुर में चल रहे एक और बड़े कॉमर्शियल प्रोजेक्ट की। तो मैं आपको बता दूं कि एस्प्रा डेवलपर्स की तरफ से जो है कि इस कॉमर्शियल प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन वर्क जो है काफ़ी तेज़ी के साथ किया जा रहा है। और एस्प्रा डेवलपर्स कंपनी का ही अगर प्रोजेक्ट की बात किया है तो अपने गोरखपुर शहर में सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट्स अगर किसी कंपनी के हैं तो वो एस्प्रा डेवलपर्स के ही हैं। और इस प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन स्टेटस की बात की है तो इसका भी काम जो है लगभग पूरा कर लिया गया है। और इसका भी निर्माण कार्य जो है महानगर के बेतिया हाता एरिया में ही किया जा रहा है। अब हम बताते हैं आपको अपने गोरखपुर महानगर में चल रहे एक और बड़े कॉमर्शियल प्रोजेक्ट का कॉमर्शियल कम रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट का। तो उसका नाम है सेंट्रल टावर और इसका कंस्ट्रक्शन वर्क जो है काफ़ी तेज़ी के साथ चल रहा है। और इसके लोकेशन की बात की जाए तो इसका लोकेशन है ठीक अपने शहर के सिटी मॉल के बगल में या यू कहें होटल क्लार्क के ठीक सामने। और ये जो प्रोजेक्ट है कॉमर्शियल कम रेजिडेंशियल होने वाला है। इसमें नीचे के जो 2 से 3 फ्लोर जो हैं वह पूरी तरह कॉमर्शियल ही होने वाले हैं। और इस कॉमर्शियल कम रेजिडेंशियल बिल्डिंग की जो डिज़ाइन है उसको हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर मुंबई के द्वारा तैयार किया गया है। हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर मुंबई वही आर्किटेक्ट कंपनी है जिसने मुंबई की सबसे ऊंची बिल्डिंग बनाई हुई थी। अब हम बात करते हैं गोरखपुर में चल रहे एक और बड़े कॉमर्शियल प्रोजेक्ट की। तो उसका नाम है द जुबली मॉल एंड मल्टीप्लेक्स। तो इसका भी कंस्ट्रक्शन वर्क जो है कि पहले से ही चल रहा है और अभी तो गाइस बेसमेंट फ्लोर का ही काम इसका भी कराया जा रहा है। बट इस प्रोजेक्ट में भी जो है कि काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है, अभी 2 साल से भी ज़्यादा टाइम जो है कि इस प्रोजेक्ट पर लगने वाला है।
तब जाकर ये कॉमर्शियल प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट हो पाएगा। अब हम बात करते हैं गोरखपुर महानगर में चल रहे एक और कॉमर्शियल प्रोजेक्ट की, तो उसका नाम है द निषाद मॉल का मल्टीप्लेक्स। तो इसका कंस्ट्रक्शन वर्क जो है काफ़ी तेज़ी के साथ चल रहा है। और इसके लोकेशन की बात की जाए तो यह अपने गोरखपुर के चौरी चौरा में जो है कि इसका निर्माण कार्य कराया जा रहा है। और इसके अलावा भी अपने गोरखपुर महानगरीय क्षेत्र में तमाम जगह पर बड़े बड़े कॉमर्शियल प्रोजेक्ट जो है कि ऑलरेडी चल रहे हैं, जैसे कि मोहद्दीपुर एरिया में तमाम बड़े कॉम्प्लेक्सेस का निर्माण कार्य हो, या फिर आर्बिट ग्रुप के भी तरफ से बड़े बड़े प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। बट क्लियर जानकारी मुझे इन्फॉर्मेशन मिल नहीं पा रही है कि आर्बिट ग्रुप जो है कौन कौन से प्रोजेक्ट पर अपना काम कर रही है। आगे हमें जैसे ही आर्बिट ग्रुप से रिलेटेड जानकारी मिलेगी मैं आपको वीडियो के माध्यम से शेयर करने वाला हूँ। वहीं मैं आपको एक और बड़ी अपडेट दे दूँ, वो अपडेट है गैलेंट ग्रुप के तरफ से अपने गोरखपुर महानगर के राजेंद्र नगर एरिया में लगभग 200 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट के साथ एक बड़ा होटल और होटल के साथ शॉपिंग मॉल एंड मल्टीप्लेक्स का कंस्ट्रक्शन वर्क जो है कि बहुत जल्द जो है कि शुरू होने वाला है। तो ये काफ़ी बड़ी खुशखबरी है अपने गोरखपुर शहर के गोरखनाथ राजेंद्र नगर एरिया के वासियों के लिए कि उनको बहुत जल्द गैलेंट ग्रुप की तरफ से ये बहुत बड़ा तोहफा जो है कि मिलने जा रहा है। तो आगे हमें इस बड़े प्रोजेक्ट पर कोई भी नई अपडेट मिलेगी तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से शेयर करने वाला हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में फिर किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।